को बताना चाहती हूँ। आज मैं जेडीयू से इस्तीफा का ऐलान कर रही हूँ। साथियों, सच ये है कि नीतीश कुमार जी के साथ मैं कभी जुदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से जंगल राज के युवराज को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है बिहार की जदयू की साख और सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुधाकर सिंह विरोध का जो बुगुल फूका, बाद में उपेंद्र कुशवाहा उस बात को लेकर आगे बढ़े, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को खुद ही पार्टी छोड़ना पड़ा। वो जदयू कोटे से एमएलसी थे, उनको वह पद त्यागना पड़ा। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति के लिए है। खबर यह है कि पूर्व सांसद और जदयू की वरिष्ठ नेत्री मीना सिंह जदयू को बाय बाय बोल चुकी। आज पटना में एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश अपने मनमाने ढंग से इस पार्टी को चला रहे हैं, जदयू में असंतोष है और असंतोष का बड़ा कारण महागठबंधन और तेजस्वी को लेकर है। इन लोगों का मानना है कि नीतीश जिस प्रकार से तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, इसको लेकर जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जदयू का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। पार्टी खुद अपने पार्टी से ही विकल्प तैयार करे और नीतीश को यदि उत्तराधिकारी चुनना है तो वो जदयू से ही चुने, लेकिन ऐसा नहीं है। परिणाम हुआ कि तपेश्वर सिंह की परिवार से आने वाली मीना सिंह, उनकी पतोहू जो पहले 2009 से 14 तक आरा से सांसद रही है, उसके पहले भी पति के गुजरने के बाद वो कुछ टाइम तक सांसद रही है, आज पार्टी छोड़ दी। ये बड़ा चेहरा था, एक खास क्षत्रियों की मैं बात करूं तो क्षत्रियों के लिए ये बड़ा चेहरा आज जदयू से विमुख हो गया। मेरा मानना है कि इस तरह से पार्टी का टूटना जदयू के लिए अच्छा नहीं है। यदि मीना सिंह या उपेंद्र कुशवाहा के सूत्रों पर विश्वास करें तो जदयू से लगातार कई नेता दूसरे पार्टियों के संपर्क में हैं। खबर तो यह भी है कि कुछ विधायक इधर से उधर जा सकते हैं और नतीजा ये होगा कि शायद नीतीश को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब मजेदार बात यह है कि नीतीश अब आगे क्या करने जा रहे हैं, चूंकि यह बात अब साफ है कि सेहत और सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। धन्यवाद।